भगवान है मेरी वो। दर्द होता है बेटा, तकलीफ होती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, बस खड़े ही खड़ा रह गया और वो लुक्ति को ले गए। और वो सोच कैसे सकते हैं कि दी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है? कैसे विद्या, कैसे? देवी समान है विद्या, देवी समान है, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी दी देवी समान है, बहुत प्यार करता हूँ। चंद्रमुखी, आप धैर्य रखिए, हमें बहुत डर लग रहा है हर्ष। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। बेचारी महुआ जी, उन्हें तो कंधा भी नहीं मिला रोने के लिए। आप लोगों को जरा से भी शर्म नहीं है? ऐसे वक्त पर भी आप अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते।
बनका तो ऐसा है जैसे दूध से दूला हो। अरे खुद की साली से नैन मटका चला रहा है और हमसे कह रहा है जुबान बंद रखो। अरे जिस दिन हमने जुबान खोली ना, तहलका मच जाएगा तहलका। अरे चिंता मत करो हेमा, इससे तो जुबान बंद रखने की ऐसी कीमत वसूलेंगे कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चलिए हाय मारती क्यों हो? पापा, वो लोग मम्मी को अपने साथ ले गए। क्यों पापा? क्या मेरी मम्मी इतनी बुरी है क्या पापा? अब वो लोग मम्मी को जेल में रखेंगे। नहीं पापा, मेरी मम्मी इतनी बुरी नहीं हो सकती। भारत, बेटा आपकी मम्मी बिल्कुल बुरी नहीं है। इधर आओ। चलो चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। आपको याद है मिस्टर ओशन ने क्या कहा था? कि आपकी मम्मा को गलती से पुलिस ले गई है, तो वो जल्दी छोड़कर जाएंगे मम्मी को वापस। सच में मम्मी? हाँ। अच्छा आप बताओ, क्या आपको शंभुनाथ जी पर भरोसा नहीं है? है ना? तो इस बात का आप यकीन मानो कि शंभुनाथ जी जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कि आप अपनी मम्मा को कितना मिस करते हैं। फिर शंभुनाथ जी आपको अपनी मम्मा से दूर नहीं रख सकते ना ज्यादा समय तक। आपके प्यार के लिए वो जल्दी आपकी मम्मा को वापस भेजेंगे आपके पास। पक्का? चल अब अच्छे बच्चों के समान जल्दी से जाकर सो, ठीक है? बहुत रात हो गई है ना। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मामा। उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। सच में हमने कभी नहीं चाहा था कि सिंदूरा दीदी को इतनी बड़ी सजा मिले। हम तो बस इतना सा चाहते थे कि दीदी को खुद आभास हो इस बात का कि वो गलत है, मगर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। की तरह हमने भी आशा की थी कि काश सिंदूरा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, काश वो अपनी गलतियों से कुछ सीखे। लेकिन बेटी, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो करेगा सो भरेगा, और पाप जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका अंत निश्चित है। अनिकेत जी को हम बरसों से जानते हैं। हम जानते हैं कि ये सिंदूरा के जेल जाने की वजह से इस वक्त वो बहुत दुखी है, लेकिन अनिकेत जी इस बात को भी जानते हैं कि इस वक्त हम जो कह रहे हैं वो सही है ना अनिकेत जी? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मत खाओ, पड़ी रहो यहाँ पर। रुको,
ये जो खाना तुम मुझे दे रही हो, ये जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ये कैसे सेल में रखा है मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सोऊंगी? मुझे अच्छा खाना भी चाहिए और अच्छा बिस्तर भी। पैसे जितने मांगोगी उतने मिल जाएंगे। काम करती है और मेरे सामने नजरें भी झुकाती हैं। अब एक और शब्द भी बोली ना तो यहाँ से निकालकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देगी और तुम्हारे हाथों पैरों में चैने होंगी। यहाँ तो तुम्हारा साथ मच्छरों का है और वहाँ होगा चूहों का, जहाँ सारा दिन सूरज की एक किरण भी नहीं दिखाई देगी। जाना है वहाँ। अभी कुछ मत सोचिए, बस लेटिए, अभी आराम कीजिए। कैसे आराम करूं? वादी जेल में है और मैं उनका भाई कुछ नहीं कर पा रहा। शर्म आ रही मुझे अपने आप पर। विद्या, मैं अदालत के फैसले तक का इंतजार नहीं कर सकता। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी दी की मदद करनी होगी। हाँ विद्या, अभी आधी रात है, क्या कर सकते हैं आप? अभी किसी की मदद करने के लिए भी सुबह होनी चाहिए, वक्त तो सही होना चाहिए। आप देखिए, अगर अभी आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? चलिए आराम से लेटिए, आराम कीजिए। अभी आप आधी रात है ना, सुबह उठकर दीदी की मदद कीजिएगा। लेट जाइए, मदद करनी है ना दीदी। बलवंत ने पूरा बयान दे दिया है बुआ जी, उसने सब कुछ बताया है। उसने ये तक बताया कि दीदी ने उसे सिर्फ इसी काम के लिए रखा था। उसने ये तक बताया कि अगर उस दिन से दो दिन पहले ही निकलते बाहर तो इनका एक्सीडेंट तभी हो जाता। इसका क्या मतलब है बुआ जी? बलवंत ने अब तक तो अपना मुंह खुला नहीं था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो कि इसने सारी बातें बताई? बहुत खुश होगी ना तुम विद्या? तुम तो हमेशा से दी को किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसाना चाहती थी और आखिर आज वो फंस गई। तुम्हारा मकसद तो कामयाब हो गया होगा। पहले तुम खुद दी पर सागर की जान लेने की कोशिश का इल्जाम लगाती थी और अब तो पुलिस भी लगा रही है। महुआ चंद्रा, हमारी बात सुनिए। नहीं बुआ जी, आप कुछ नहीं जानती। आज तक इस विद्या ने क्या कुछ नहीं किया है, दी पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं। पर अब नहीं विद्या, अब बहुत हो गया। अब हम और तुम्हें दी को परेशान नहीं करने देंगे, समझी तुम? दीदी, हमने कुछ भी नहीं किया है। आप महुआ दीदी, आप हमारा यकीन कीजिए ना, हमने दीदी को थोड़ी ही फंसाया है। दीदी पहुंची, ये लोग हमारी क्या गलती है इस?
पैकेज में। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मेरी दी कहाँ है? मतलब सिद्धू और प्रताप सिंह कहाँ है? कहा? अरे कहा है मेरी दी? वहां है। सागर, मैं सागर, आपका अपना सागर। क्या हो गया आपको दी? कैसी हालत बना थी? क्या किया? क्या ये सब? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कैसे हो गई आपकी ऐसी हालत? कोई बात नहीं सर, शायद पिछले जन्म की कोई कर्म जिसकी सजा मुझे अभी मिल रही है, या फिर हो सकता है इसी जन्म में क्यों हुई किसी की साजिश जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन सागर, मेरी दुनिया तो मेरा परिवार ही थी, मेरी छोटी बहनें, मेरा बेटा, बेटे से बढ़कर मेरा छोटा भाई। मैं तो आज तक तुम सबके लिए जीती आई हूँ, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। कुछ भी बोलती रहती है आप, अब कुछ नहीं होगा आपको। मैं आ गया हूं ना, आपका भाई आ गया, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा दी। आप रोइए मत, प्लीज रोइए मत, प्लीज। आप मेरी अच्छी थी, सब ठीक हो जाएगा दी। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऑफिसर, ऑफिसर, क्या हुआ? ये देखिए, ये कोई तरीका है? क्या हालत बना दी आपने मेरी दी की? देखिए आप, ये देखिए, मेरी दी रो रही है। कुछ देर पहले तो ठीक थी, अब अचानक क्या हो गया इसको? झूठ मत बोलिए आप, झूठ मत बोलिए आप। ये आप लोगों ने किया दी के साथ। बस अब मेरी दी और यहाँ नहीं रही। आज अभी इस वक्त मेरी दी वापस जाएगी घर मेरे साथ। दी, हम आज घर वापस जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। बस बहुत ले लिया आपने, अब हम घर वापस जाएंगे। Thank you.
सागर मुझे शायद जेल से बाहर को निकलवा दे, पर देर सवेर उसके मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। बस उसके शक को मुझे एक चेहरा देना है, घर के किसी व्यक्ति का चेहरा।